श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। मेरे भिवंडी संसदीय क्षेत्र में नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर भिवंडी बाईपास रोड पर बीओटी पर गए 28 सालों से दिया गया है और उसका कार्यकाल 2018 तक है, लेकिन 2010 में एक सर्वेक्षण किया गया तो 2010 में ही 2017 की ट्रैफिक यातायात यहाँ पे चल रही है। इसका मतलब वो रोड पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे ट्रैफिक है। अभी वो रोड 4 लेन है और टोल कलेक्शन भी 2010 की ट्रैफिक 2017 में चलने की वजह से रोजाना 55 लाख से 60 लाख की टोल कलेक्शन है और रोड 4 लेन होने की वजह से भी वहाँ पे ट्रैफिक हर दिन जाम रहती है। तो वो रोड 8 लेन होना जरूरी है, अंडरपास नहीं है। अंडरपास नहीं होने की वजह से जो रास्ते में गांव आते हैं उनको अगर रास्ता क्रॉसिंग करना है तो एक गाड़ी अगर क्रॉस करनी है तो 10 मिनट तक वहाँ रुकना पड़ता है। सर्विस रोड भी नहीं है तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा पैमाने पर एक्सीडेंट होते हैं और सालाना 150 से 200 लोगों की मौत होती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश है, जल्द से जल्द ये टेंडर वाइंड अप करके नया टेंडर आमंत्रित करके 8 लेन वो रोड बनाने के लिए शुरुआत की जाए और सर्विस रोड अंडरपास वहाँ पे बना के जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें उनको भी रोका जाए और लोगों को राहत दिया जाए। धन्यवाद।